नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर। कानपुर नगर में हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन। कानपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और जनता मौजूद रही। साथ ही साथ इस सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। तमाम पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री शामिल हुए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 555.07 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ 2022 चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए अपनी सभा को संबोधित किया। कानपुर से अमन कुमार की खास रिपोर्ट। लोकप्रिय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल होरू जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकप्रिय विधायकगण, श्री सुरेंद्र मेधानी जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, सुपेंद्र पासवान जी, श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, श्री अरुण सपाठक जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य श्री समीर बिश्नोई जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित श्रीमती कमलावती सिंह जी, श्री प्रकाश पाल जी, श्री देवेंद्र भोली जी, श्री सुनील बजाज जी, डॉक्टर वीणा आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ल जी और भारी संख्या में आज के सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित कानपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, माँ गंगा के आंचल में बसा हुआ कानपुर आजादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के इस प्रथम औद्योगिक नगर जिसने माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ अपना नाता जोड़ा था, कानपुर नगर की 550 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज एक मंच आप सबके बीच में आया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके हृदय की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर एक बार फिर से अपनी नई आभा के साथ देश के अंदर स्थापित हो रहा है। याद करिए, कानपुर कभी उत्तर प्रदेश और देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस मॉडल न होने और कानपुर के पूर्वी आज इस क्षेत्र के नागरिकों के बारे में शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण यह औद्योगिक नगर धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते गए, अराजकता के शिकार होते गए और अंततः न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा की धारा को भी सबसे ज्यादा खराब करने के लिए अगर किसी एक नगर को दोषी ठहराया जाता था तो कानपुर नगर को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसा मऊ नाला, जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मैया में उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह गंगे एसपीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद सीवर सीसा मऊ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है।
कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता की, अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं, चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य आपने देखा होगा, अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं।